हाँ जी आज के वाणी में बताया बाबा ने कि तुम्हारी पहले भट्टी बनी थी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ और फोर्थ था, कौन से समय की बात कर रहे हो? कब कौन से समय की बात कर रहे हो? कब की बात हुई? पवन का पहले तुम्हारी भट्टी यज्ञ के याद की आज की हाँ फोर्थ ग्रेड वो निकले जो बागंती हो गए यज्ञ के आदि में जो भी भट्टी बनी थी उसमें भी फर्स्ट ग्रेड की ईंटें भी निकली, सेकंड ग्रेड की भी चैतन्य ईंटें निकली, थर्ड ग्रेड की भी निकली, फोर्थ ग्रेड भी निकली। वहां से लेकर के अब तक भागते ही रहे ना। और बारह महीने तो उसके अंदर सावन में सबसे ज्यादा सावन का सबसे ज्यादा महत्व है, ऐसा सावन महीने का। हाँ उसके अंदर कावर यात्री जल लेके नदियों का शिव पे रोटी चढ़ाते थे। बिहार तो पहला पहला कोई तो कांवड़िया निकला होगा जिसने अपने अम्मा बाबा को कंधे पर रख करके चारों ओर चक्कर काटा होगा और ज्ञान जल ले जा करके चढ़ाया होगा, कोई पहला कांवड़िया हुआ होगा ही नहीं। तो वही कांवड़िया श्रवण कुमार दिखाया गया है। और माँ बाप अंधे थे या सोजरे थे? वो कौन थे? मम्मा बाबा अंधे माँ बाप। मुरलियों के मर्म को समझते थे क्या? नहीं समझते थे। और कांवड़िया पहाड़ों पर जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, वहां से शुद्ध जल भर करके ले आते हैं और फिर मूर्ति बजा के चढ़ाते हैं। कहां की बात है, पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? अभी तो कहा योग बल होगा तो दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान कितना भी उठा ले में अगर योग बल नहीं होगा, ऊंची स्टेज नहीं होगी तो दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, सेवा का कोई फायदा नहीं। और बोला आत्मा आप ही समय पर चली जाती है, पर दुनिया में कहते हैं कि काल लेके गया। हाँ वो भी है कहाँ की यादगार, काल तो लेके हमेशा के लिए कोई जाता नहीं है। तो यहाँ की बात है काल खाता है माने अकाले मौत हो जाती है, सारी दुनिया की अकाले मौत होगी, तुम बच्चों की अकाले मौत नहीं होगी, तुम सुख से शरीर छोड़ेंगे, स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ना माना जीते जी मरना। कहेंगे तुमको काल नहीं खावेगा, बाकी सबको काल खा जाएगा। और पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा उनका बेहतर, अभी पत्थर की बन गई क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए, फिर सोने की चिड़िया बनेगी तो सारी दुनिया की नजर कहाँ लग जाएगी? भारत के ऊपर लग जाएगी। तुम बच्चे बैठ तपस्या करेंगे, निराकारी स्टेज में टिकेंगे तो सारी दुनिया की नजर कहाँ होगी? भारत में होगी, विदेश में होगी, भारत में ही होगी, क्योंकि तो सुखधाम और शांतिधाम की स्थापना यहाँ होती है। तो जहां सुखधाम है वही सोने की चिड़िया है। तो
और ये सोने की चिड़िया कोई भी धर्म वालों के हाथ नहीं लगने वाली है। और धर्म की आत्माएं कितना भी कंट्रोल करें कि हम इसको अपनी मुट्ठी में ले लेवे, लेकिन ये भारत ऐसी सोने की चिड़िया होती है, बन जाती है, जो सारे विश्व को उसको बन चिड़िया के कंट्रोल में रहना पड़े, चिड़िया कोई के कंट्रोल में हाथ में नहीं आने वाली। सारा विश्व कंट्रोल में आवेगा। इंदौर को माँ अहिल्या की नगरी कहा जाता है। अहिल्या की नगरी, अहिल्या देवी का जो विचित्र है, अहिल्या देवी के चित्र में शिवलिंग दिखाया गया है, उनकी गोद में शिवलिंग बताया गया। अहिल्या के चित्र में, अहिल्या देवी के चित्र में जो भी मूर्ति बनती है उनकी गोद में शिवलिंग को उन्होंने धारण किया। उसका बेहद में आज अहिल्या ज्ञान में है कौन? अही माने सर्प, ले आ माने ले आई, तो सर्प को कौन ले आई? सर्प जैसी आत्माओं की सेवा करके बाप के सामने ले आई, तो वो सर्प क्या करेंगे, स्वर्ग बनाएंगे या नरक बनाएंगे, शिवालय बनाएंगे या वैश्यालय बनाएंगे? हैं? वैश्यालय बना देते। अब कोई आत्मा ऐसी भी होंगी जो अहिल्या के मुकाबले उल्टी सेवा करेंगी, वो नरक बनाने वालों की सेवा करती है तो वो स्वर्ग बनाने वालों की सेवा करती है। तो अहिल्या की गोद में जो लिंग दिखाया गया है वो लिंग भी बेसिक नॉलेज में पढ़ा होगा, उसकी गोद में पढ़ाई पड़ी होगी। क्योंकि जैसे लक्ष्मी माता कही जाती है वैसे माया भी भगवान की क्या है? नहीं, बेटी तो हम ज्ञान में कहते हैं, माया पति कहा जाता है। तो जब वो पति हो गया तो वारसदार क्या हो गया? बाप का वर्षा लेने वाला क्या हो गया? बच्चा हो गया। तो बच्चा है वो पहले पहले गोद में किसके आता है? माँ की गोद में। बेसिक नॉलेज में जरूर वो शिवलिंग जो लिंग के रूप में पूजा जाता है साकार रूप, वो माया की गोद में आता है। और बेटी का जब भी प्रभाव इंदौर में जाता है, बेटी का प्रभाव जब भी इंदौर में जाता है, बच्चे का प्रभाव इंदौर में जाता है। इंदौर में ज्यादा नहीं हुआ? हाँ, हाँ बोलो बोलो। शास्त्रों में बताया गया है विष्णु भगवान ने भस्मा सुर का वध विष्णु भगवान ने सर में हाथ रखा थे, उसे वध किया। भस्मा सुर का विष्णु भगवान ने किया? शास्त्रों में बताया। ज्ञान में ऐसे चलने वाले बहुत हैं जो ज्ञान लेते हैं और खुद ही ज्ञान में चलते चलते भस्म हो जाते हैं। काय में भस्म हो जाते हैं, काम अग्नि में भस्म होते हैं कि कोई और अग्नि में भस्म होते हैं? काम अग्नि में भस्म हो जाते हैं।
बाप ने तो कहा नहीं कामाग्नि में भस्म हो जाओ, फिर भी वो ही भस्म रमाते हैं, वो ही काम करते हैं जो बाप ने काम करने के लिए मना कर दिया, तो भस्म हो जाते हैं। और अभी तो मुरली हम बोला, जब तुम ठंडी दुनिया में जावेंगे, ठंडी दुनिया कौन सी है, ठंडा मौसम कौन सा है, अरे शरद ऋतु हो गई, ठंडी की सीजन हो गई, सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग होगा, गर्मी का मौसम, और श्रावण का महीना हो गया संगम युग, ये बरसात का मौसम है। इस बरसात के मौसम में पहले गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो भाप बन के पानी उड़ जाता है, वो पहाड़ से जाकर टकराता है, पहाड़ ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है, तो ऊंची स्टेज में जब ज्ञान जाएगा तो तुम सारा ज्ञान भूल जाओगे, तो कुछ ज्ञान याद रहेगा है? याद रहेगा, सारा ज्ञान भूल जाओगे, तब तुम ठंडी की दुनिया में जाओगे। और सनातन लेकिन जब कहा जाता है सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, सनत कुमार के द्वारा रचा हुआ है, पर लास्ट में नाम क्यों लेते बाबू, सनत कुमार का तो लास्ट में आता है, पहले सनत का आता है, लास्ट में नाम इसलिए आता है कि वो ब्रह्मा का चौथा पुत्र है, बाद में जन्म लेता है, लेकिन ज्ञान में सबसे तीखा जाता है, लास्ट सो फास्ट जाता है, और अब लास्ट में आया है तो जरूरी है कि आदमी फर्स्ट में आया होगा कि लास्ट में आया होगा, यज्ञ के आदमी जो भट्टी बनी उस भट्टी में आदमी आया होगा या बाद में आया होगा, आदमी आया, तो वो ही आदि सो अंत, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फास्ट चला जाता है, इसलिए ब्रह्मा के जो चार पुत्र हैं, जो चार बड़े धर्मों के बीज हैं, मुख्य धर्मों के, उनमें जो सबसे छोटा है वो सनत कुमार ही सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। और नाम तो सनातन पड़ा है, और इधर सनातन सनत तो सनंदन सनत सनातन, इसका नाम सनातन क्यों रखा? वो नाम रखने से क्या होता है, काम से देखा जाता है या नाम से देखा जाता है, सनातन ब्रह्मा है या ब्रह्मा का बच्चा है जो सनातन धर्म स्थापन करता है, सनातन माने पुराना, सनत कुमार से भी ज्यादा पुराना ब्रह्मा है या सनत कुमार है, कौन ज्यादा पुराना है, है ब्रह्मा ज्यादा पुराना है या ब्रह्मा का बच्चा ज्यादा पुराना है, ब्रह्मा ज्यादा पुराना है, लेकिन वो सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बनता, जो बच्चा है वो बाप से भी तीखा चला जाता है, तुम बच्चे इनसे भी तीखे चले जाएंगे, तो बच्चे ही निकलते हैं जो सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। और आपने मतभेद से घटे होते हैं या मामला
वाले भक्त देश से प्रत्येक होते हैं या मामला बाप का जन्म भक्ति मार्ग में कहाँ दिखाया गया है? मगध देश में दिखाया गया है। तो भक्ति मार्ग में जो दिखाया गया है वो यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। आते तो हैं पाकिस्तान से माउंट आबू में, लेकिन माउंट आबू में प्रत्यक्ष होते हैं क्या? बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले गुप्त था या प्रत्यक्ष था? पहले गुप्त था, फिर बाद में प्रत्यक्ष होता है। गुप्त था तो कोई को पता नहीं है, बच्चा होगा बच्ची होगी, होगा नहीं होगा। जब पैदा होता है तो सबको पता चलता है, सबको मानना पड़ता है कि बच्चा ही पैदा हुआ। तो ऐसे ही ये भगवान बाप आते तो हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अभी भी भगवान बाप आया तो हुआ है, परंतु कोई ऐसा है जो छाती ठोक के कहे कि हमको 100% प्रत्यक्ष हो गया? या निश्चय निश्चय के चक्र में सब आते रहते हैं है? बोलो, आते हैं कि नहीं? सब निश्चय निश्चय के चक्र में आते हैं, माने कोई को भी अभी निश्चय नहीं है कि बाप आया हुआ है। लेकिन प्रत्यक्षता कभी न कभी तो होगी या नहीं होगी? जब प्रत्यक्षता होगी तो सब कहेंगे मेरा बाप आ गया। तो वो प्रत्यक्षता दक्षिण भारत में नहीं होती, दक्षिण भारत वाले के द्वारा नहीं होती। कहाँ होती है? उत्तर भारत में होती है। जो उत्तर भारत के कुंभकर्ण अभी भी सोए हुए हैं, बाबा ने भी मुरली में बोला, जब बड़े बड़े सन्यासी इस ज्ञान को समझेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, गंगा है। ये गंगा के किनारे सन्यासी चौकड़ी जमा के बैठे रहते हैं रामनगरिया में। जब टाइम आएगा तो वो कुंभकर्ण भी जगेंगे और उनकी पवित्रता की पावर से बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। वो बाहर की दुनिया के कुंभकर्ण या ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के कुंभकर्ण? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के कुंभकर्ण हैं जो अभी सोए हुए हैं, वो जागेंगे और नॉर्थ इंडिया से प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसलिए बोला है धर्म युद्ध का खेल यूपी को दिखाना है। सबसे ऊपर उड़न खटोला से जाना पड़ता है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची स्टेज में रहती होगी तो ऊंची स्टेज में जाएंगे तभी तो वहां पहुंचेंगे। उड़न खटोला ऊपर ऊपर उड़ता है, नीचे उड़ता है, ऊपर उड़ता है। आप भी जब ऊंचे उड़ेंगे तो मनसा देवी तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा बगुला होता है, जो सबसे बड़ा बगुला होता है वो सबसे बड़ा हंस बनता है। सबसे बड़ा क्या होता है? बगुला। बगुला, बगुला।
बगुला कौन बनाता है और हंस कौन बनाता है? बगुला कौन बनाता है? बगुला बनाने वाला भी बगुला होगा और हंस बनाने वाला परमहंस होगा। तो परमहंस हंस बनाता है और बगुले जो है वो बगुला बनाते हैं। क्या तो सृष्टि का जो बीज है वो बीज है, उसमें सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है, अच्छे से अच्छा तत्व भी उसमें भरा हुआ है और बुरे से बुरा पार्ट भी उसमें भरा हुआ है। वो असुरों का भी बाप है तो देवताओं का भी बाप है। और ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, ड्रामा को बनाने वाला कौन है? ड्रामा को बनाने वाला कौन है? व्यास है। व्यास भगवान सबसे ज्यादा ड्रामा बनाता है। तो यहाँ व्यास भगवान ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? है और तो कोई इस धंधे के लिए नहीं बैठ जाता, वो व्यास भगवान इसी धंधे में बैठ जाता है। तो सबसे बड़ा ड्रामा बनाने वाला व्यास हो गया। और कहेंगे वो भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। कौन? व्यास भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। वो चाहे तो इस बंधन में निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, फिर द्वापर युग आएगा, फिर उसको शास्त्र लिखने पड़े, फिर संगम युग आएगा, फिर संगम युग में वही शास्त्रों की बातें उगलनी पड़े, समझानी पड़े, जो दुनिया उन शास्त्रों का उल्टा अर्थ लगाई बैठी है। बाप ही आकर के शास्त्रों का सार समझाते हैं। और स्वामीनारायण मंदिर है गुजरात, लक्ष्मी नारायण वही है, स्वामी नारायण और लक्ष्मी नारायण जो आप पर जो स्वामी नारायण का मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर की बात मुरली में आई है कि अहमदाबाद में स्वामी नारायण का मंदिर है, वो मंदिर की जो बात आई है तो नारायण तो स्वामी है, फिर किसका स्वामी है? पहला पहला वो पहली आत्मा कौन जिसका वो स्वामी है? ऐसे तो सारी दुनिया का स्वामी है, नई दुनिया में आने वाली जो भी आत्मा है सबका स्वामी है, लेकिन उनमें भी कोई नंबर वन आत्मा होगी ना जिसका वो स्वामी है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली होगी? अहमदाबाद की होगी, इसलिए अहमदाबाद में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है। पहला पहला लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ बना? अहमदाबाद में। और बाबा ये तिरंगा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है इंदौर में, तिरंगा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है इंदौर में, ये तो कपड़े का झंडा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तुम चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का जन्म दिवस मनाओ। वो जड़ कपड़े का मनाते हैं और तुम है अगली साल मनाओगे ना? अगले साल मनाओगे या इसी दिन मनाओगे? चैतन्य कपड़ा कौन है? है अरे कोई है या नहीं है जिन्होंने विश्व विजय करके दिखला भी? तो कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाता है या चैतन्य शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं? इस दुनिया में है या नहीं है?
है तो वो विश्व विजय करके दिखलाते हैं। वो तीनों वस्त्र नंबर वार हैं, एक है नीची स्टेज वाला, एक है मीडियम स्टेज वाला और एक है ऊंची स्टेज वाला। नाम दिया उज्जैन, सारी दुनिया को वो महाकाल के रूप में खा जाता है। वो इंदौर के पास ही है, अलग डायरेक्शन में जाता है, वो दिमाग अलग डायरेक्शन में जाता है। क्या क्या? हाँ क्या? कभी कभार ऐसा होता है कि मन बुद्धि अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। हाँ, तो ये किस कारण होता है? माने कभी निगेटिव में जाती है, कभी पॉजिटिव में जाती है। निगेटिव में जब जाती है तो जरूर कोई हमने खराब काम किए हैं 63 जन्मों में, वो रील उघड़ जाती है। जब गंदे कर्मों की रील उघड़ती है तो मन निगेटिव की तरफ जाता है, और जब अच्छे कर्मों की रील उघड़ती है तो मन अच्छी पॉजिटिव तरफ जाता है। जब निगेटिव तरफ जाए तो अच्छी तरह याद का प्रैक्टिस करना चाहिए। जो निगेटिविटी के संस्कार और संकल्प जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। और कहा एक स्त्री से पतित बने यह कायदा है, एक स्त्री से पतित बने यह कायदा है। ठीक है, हाँ हाँ पूरी बात बोलो, धड़ाके से बोलो, खुल के बोलो। है एक स्त्री से पतित बने, वो तो इस पतित दुनिया का कायदा है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है इस दुनिया में जो पतित न बने। पतित तो सारे ही बनते हैं। फिर बाबा सनातन धर्म के समकक्ष धर्म कौन सा बताते हैं? सिख धर्म। और सिख धर्म जो है वो ही सनातन धर्म का सहयोगी बनता है, और बाकी भी धर्मियों में से कोई उतने सहयोगी नहीं है। सब विपरीत आचरण करने वाले। तो सिख धर्म का वो पॉइंट कौन सा है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अब ये तो नहीं कहा कि पतित इंद्रियों से ही पतित होते हैं। क्या आंखों से पतन नहीं होता है? क्या मन के संकल्प और वाइब्रेशन से पतन नहीं होता है? तो वाइब्रेशन या मन के संकल्प भी अगर पतित बनाते हैं तो वो वाइब्रेशन एक के साथ जाने चाहिए। अनेकों के साथ अगर जाते हैं तो वैश्यालय बनेगा। ये मुरली में कहा गया है। बात उल्टा कर दिया ब्रह्मा कुमारी ने। एक ब्रह्मा कुमारी कितनों से नहीं लड़ाती है? ढेर के ढेर बैठते रहते हैं, सबसे नैन लगाना। तो वैश्याले बनेगा या सेवाले बनेगा? वैश्याले बनेगा। ये इंद्रियों का संग रंग जरूर लगाता है। राधा की रति कृष्ण में डूबती है सतयुग में, और कृष्ण की रति राधा में डूबती है। तो शिष्टाचारी कहे जाते हैं
या भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं, शिष्टाचारी कहे जाते। यही इशारा बाबा ने हमको दिया है कि पतित तो इस दुनिया में सब है, मन से, वचन से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से पतित तो होना ही होना है जब तक ये दुनिया है। लेकिन क्या अंजाम करें, एक के साथ पतित हो, तो वो एक तुमको मिला नहीं है क्या? है मिल गया, है मिल गया। हंसी की बात तो नहीं है, मजाक में तो नहीं है कि मजाक में मिल गया वो। बाबा जब ज्ञान का मनन चिंतन करते तो खुद को ही समझाते और खुद को ही बताते, तो इसके बाद में छुट्टी कितनी थी? खुद को ही बताते हैं, खुद को ही समझाते हैं, कोई पॉइंट ऐसा आता है तो खुद को ही समझाने की कोशिश करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो इसकी हद में शूटिंग कैसे होती है? हद में शूटिंग कैसे होती है? शूटिंग सारी बेहद में हो रही है, बेहद में हो रही है, फिर हद में कैसे होगी? हद में तो बाहर की दुनिया में होती है। उल्टा पलटा सोचते रहेंगे, क्या हुआ? माताओं का मुंह बंद हो गया क्या? बंद कर देना बाबा, भाई लोग पर्ची का बंद कर दिया, पर्ची का बंद कर दिया। नाम ही है इंदौर, तो पर्चे नहीं लिख लिखे थे तो क्या हाल है? इंदौर है तो इंदौर में रहने दो। बना दिया पर्दे में रहने दो। पहले तो ये बताओ को है नूर बेहद चेतन तो भारत में ही है। कौन? चेतन कोहिनूर जो है वो तो भारत में ही है। चेतन कोहिनूर भारत में है, भारत के कंट्रोल में है, है? नूर माने क्या? या तो तुम नूर का अर्थ नहीं समझते हो। नूर किस चीज का होता है? प्योरिटी को ही नूर कहा जाता है। जो प्योरिटी है उस प्योरिटी की पावर से ही चेहरे में नूर झलकता है, आंखों में नूर झलकता है, तो भारत में वो नूर कौन है? लक्ष्मी है, उसका आह्वान करो तो जरूर विदेश में है। नहीं पता चला अभी, इसके कंट्रोल में है, बेहद में।
बेसिक वालों में विदेशी आत्माएं अपने कंट्रोल में रखती है या स्वदेशी आत्माएं कंट्रोल में रखा हुआ है? विदेशी आत्माओं ने कंट्रोल में रखा हुआ है। विदेशियों में भी क्रिश्चियन से विशेष सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयों को किसने अपनी मुट्ठी में कर लिया? माया नगरी नहीं मिलेगा किसका क्या सवाल? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मना कर दिया तो आप थोड़े ही मिलेंगे बिना लड़ाई बिना लड़ाई के राजा ही मिलती है क्या? नहीं महाभारत में श्री कृष्ण जब अर्जुन को दिखाते हैं विराट रूप तब कहते हैं कि संपूर्ण चराचर मुझसे ही जन्म लेता है और मुझ में ही समा जाता है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? ये सारी दुनिया जो जड़ चेतन है तो सारी दुनिया जड़ चेतन का बीज रूप कौन है? अरे कोई बीज है या नहीं है? सारे झाड़ का कोई बीज है? कौन है? एक ही बात है जो बीज है। उस बीज में जड़ तुम्हारी बुद्धि वाला पत्थर बुद्धि लिंग भी है और चैतन्य बाप भी है आत्माओं का बाप। तो सारी दुनिया का जब विनाश होगा तो सारी दुनिया में क्या रह जाएगा? है कुछ रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक ही बीज से सारा संसार हो चुका बीज में ही सारा वृक्ष समा जाता है। जब अंत समय होगा दुनिया का तो दुनिया में जो भी चैतन्य प्राणी है उन चैतन्य प्राणियों को कंट्रोल करने वाला मनुष्य ही होता है। वो मनुष्य जाति जब सुधरती है तो सारी दुनिया के प्राणी मात्र सुधर जाते हैं, सुख चैन में आ जाते हैं। मनुष्य जब बिगड़ता है तो सारी दुनिया के जो भी प्राणी हैं सब दुखी हो जाते हैं। और मनुष्यों का बीज है प्रजापिता। जब वो बीज रूप स्टेज में टिक जाएगा तो सारी दुनिया को बीज रूप स्टेज में टिकना पड़े। वो स्वेच्छा से टिक जाएंगे। उनके लिए कहा जाएगा कि उन्होंने अपने को काल के गाल में नहीं डाला क्योंकि वो तो खुद ही काल के गाल में चले जाते स्वेच्छा से। बाकी सारी दुनिया धर्मराज के डंडे खा करके मृत्यु को प्राप्त होगी। सबको बीज रूप आत्मा बनना पड़े। और जब मनुष्य आत्मा बनेंगे तो सभी प्राणी मात्र को बीज रूप बनना पड़ेगा। आत्मा ही बनना पड़ेगा।
दुनिया के प्राणी मात्र जब आत्मा बनेंगे तो जो जड़त्व में ही पांच तत्व हैं वो भी अपने बीज रूपी स्टेज में आ जाएंगे। प्रलय हो जाएगी जिसको कहते हैं। तांत्रिक लोग उसे जीवित कैसे कर लेते हैं, उसकी आत्मा वापस कैसे आती है? सांप का काटा हुआ मरता है या अकाले मौत कही जाती है? अकाले मौत होती है, मरता नहीं है। नसीब फूट गई फिर उसे जिंदा नहीं किया जा सकता, इसलिए बर्फ की सिल्लियों में रखने के लिए बोलते हैं ताकि ज्यों का त्यों बना रहे। बाहरी दुनिया के वातावरण का प्रभाव न पड़े शरीर पर, अथवा तो गोबर में भी दबा देते हैं। मुंबई में माया नगरी है कि हरेक आत्मा में माया नगरी बसी हुई है? हरेक आत्मा में माया नगरी बसी हुई है। हाँ जी बाबा, मेरे को किसी ने बोला है माड़क पत्थर अंगूठी में पहनने के लिए, तो पत्थरों का महत्व है या नहीं? वो नौ रत्न होते हैं जड़त्वमयी, लेकिन वेद की ब्राह्मणों की दुनिया में नौ रत्न चैतन्य आत्माएं हैं। उन चैतन्य आत्माओं में कोई रत्न किसी को मौखिक पड़ता है और कोई रत्न किसी को मौखिक पड़ता है। जैसे जो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं होंगी उनको कौन सा रत्न माफिक पड़ेगा? हीरा माफिक पड़ेगा। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, जो बौद्ध वंश में कन्वर्ट होने वाली होंगी, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी। तो जैसा जैसा कन्वर्शन वैसा ही वैसा उनको चैतन्य रत्न चाहिए। ये नौ रत्न ज्ञान में भी प्रसिद्ध है, जैसे भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। पहनने का मतलब यह है कि उनके बंधन में बंध जाना। जैसे चलाए वैसे चलना, उन्होंने उंगली को बंधन में बांध लिया। भक्ति मार्ग में सारा स्थूल बात उठाते हैं, ज्ञान में सूक्ष्म बात। ये कि मैं
जो आसुरी पतित बन पड़े हैं ब्राह्मण से नीचे गिर गए हैं वो भी यज्ञ में आ जाते हैं, ऐसा क्यों? उन्हें मना क्यों नहीं करते? ये बात पहले हम अपने ऊपर लागू करें। हम जब ज्ञान यज्ञ में आए थे उससे पहले हम असुर थे या देवता थे? असुर थे। तो हम असुरों को भगवान बाप ने उठाया, कोई न कोई तो निमित्त बनता ही है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? जो ज्ञान से वंचित हुई आत्माएं हैं, पतित हुई आत्माएं हैं, नीचे गिरने वाली आत्माएं हैं, उन पर रहम करें या न करें? उन पर रहम करना चाहिए, क्योंकि हम कहां अभी पावन देवता बन चुके हैं? क्या हम पतित नहीं हो सकते? अभी माया का फाइनल पेपर हो चुका है क्या? हो गया है? नहीं हो गया। कोई भी नीचे धराशायी हो सकता है। तो एक बारी माफी तो सबको मिलती है। हाँ, ये बोला एक बार माफ, दो बार माफ, बाकी बार बार माफ थोड़ी होता रहेगा। फिर जाएंगे गेट आउट। बाबा सावन में ही समारे ज्यादा करके क्यों करते हैं सब? अभी तो बताया नहीं, ज्यादा करके सावन का सीजन है द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता है सर्दियों का सीजन, और बरसात संगम युग है। तो संगम युग में ही तो कांवड़िया जल भरेंगे। ज्ञान जल की गगरी कहाँ भरी जाएगी? संगम में भरी जाएगी। और संगम में ही वो ब्राह्मणों के अंधे माँ बाप होते हैं, मम्मा बाबा। ज्यादा तुम्हारी भी रखते हैं बाबा है? तुम्हार के दिन ही ज्यादा करके मानते हैं उपास बाबा, उपास उपास। जब सीता अशोक वाटिका में होती है तब राम भगवान हनुमान को सीता के लिए अंगूठी भेजते हैं। उसका भेद का अर्थ क्या है? पहली बात, रावण की जेल में जो सीता होती है वो नंबर वन की सीता होती है या नंबर दो की होती है? नंबर वन सीता के लिए तो कहते हैं तुम पावक में करो निवासा, योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन निश्चरों का रासुरों का संहार करता हूं। और उसकी जगह सोने की मूर्ति बना के रख देते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके। रावण उसको ले जाता है। तो जो नंबर दो की सीता है उसको अंगूठी पहनाई जाती है, इसके द्वारा हनुमान निमित्त बनता है। ज्ञान की दुनिया में हनुमान की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा चैतन्य अंगूठी को सीता को देते हैं। कौन है अंगूठी? नाम क्या दिया?
उसका नाम क्या दिया? अंग उठी, अर्थात कोई कन्या है, कन्याकुमारी है और आदर कुमारी नाम तो है ना, तो वेद में नाम है कन्याकुमारी। वो कन्याकुमारी के लिए पहले ही आदेश दे दिया विजयमाला का आवाहन करो। जब विजयमाला का आवाहन होगा तो सीता रावण की जेल से स्वतः ही बाहर आ जाएगी। संगम युग में हम सूर्यवंशी बच्चों को ही बाप नजरों से निहाल करते हैं, इसका क्या अर्थ है? मैं तो आपको बता दिया, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो क्या मतलब हुआ है? परमधाम की ऊंची स्टेज में इस मौत के बाजार की दुनिया में तुम बच्चों की बुद्धि नहीं पहुंचेगी अपने आप, तुम्हारी दृष्टि को बाप अपनी तीखी दृष्टि से ऊपर उठाकर ले जा रहे थे। इसलिए झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र दिखाया गया है और उसके सर के ऊपर शिव लिंग दिखाया गया है ज्योति के रूप में। वो बाप उसमें प्रवेश करके बच्चों को दृष्टि की पावर से खींच कर ले जाएंगे ऊंची स्टेज में, सारी दुनिया को नहीं ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे हैं? जिनकी प्रीति बाप के साथ होगी, जिनकी प्रीति बाप के साथ नहीं होगी वो बाप की दृष्टि को पकड़ भी नहीं सकेंगे और जा भी नहीं सकेंगे पहले। तो बाबा आधार कुमार जो शादी कर लेते हैं कुमार लोग, इसका क्या कारण है? यज्ञ में आके बाबा से हैं? बाबा से मिल लेते हैं और शादी कर लेते हैं कुमार लोग, इसका क्या कारण है? तो कारण उनको लगन लगी हुई है। आप कुमार हैं कि शादीशुदा हैं? शादीशुदा है ना, जाके पाओ ने फटी बिवाई, सूखा जाने पीर पराई। कुमारों की एक चिंता और आदर कुमारों की 9999 चिंता है, दूसरे पलड़े में रख दो तो जो कुमार की एक चिंता है वो भारी हो जाएगी। तो माया कुमारों को ज्यादा पकड़ती है, अदर कुमारों को, अदर कुमारियों को जास्ती, या कुमारियों को इतना जास्ती नहीं पकड़ती है। कोई बिरले ही कुमार हैं जो अंत तक महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं माया के लपेटे से। प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश होता है वो दोनों आत्माएं अलग अलग होती है या एक ही होती है? अलग अलग आत्मा, दोनों की फीलिंग अलग अलग होगी या एक ही होगी? अलग अलग होगी। तो प्रश्न ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये भूल किसी आत्मा ने प्रवेश करके कराई है और ये भूल हमने स्वयं की है? जब उस आत्मा का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा। इस तरह के संकल्प तो हमारे अंदर आते ही नहीं थे,
ये संकल्प हमारे अंदर कैसे प्रवेश कर गया? जब तक उस आत्मा का आवेश रहेगा तब तक तैयारी नहीं कर सकते। शूटिंग पीरियड शिव बाप के आने से ही शुरू हो जाता है। शिव बाप के आने से शूटिंग पीरियड नहीं शुरू होता है। हमारे बाप के पहचानने के टाइम से शूटिंग पीरियड शुरू होता है। क्या? जब हम डायरेक्टर बाप को पहचान लेते हैं तब हमारी शूटिंग शुरू होती है। नहीं तो बाप तो बहुत पहले से आया हुआ है, संक्षिप्त से आया हुआ है। बाबा यज्ञ के आदि में गुण आत्मा की है तो तभी से शुरू हो रही है। जो यज्ञ के आदि में जो आत्माएं थी उनके लिए तो तभी से शुरू हो रही है। उनके लिए शूटिंग कैसे शुरू हो गई? उन्होंने बाप को पहचान लिया क्या? सबने जिन्होंने पहचाना सूर्यवंशियों ने उनके लिए कहेंगे कि शूटिंग शुरू हुई। और शूटिंग पीरियड शिव बाप के आने से शुरू हो जाता है, परंतु राम बाप समान बनते हैं तब शिव के वापस जाने पर भी शूटिंग पीरियड चलता है। कैसे? शूटिंग के टाइम पर एक डायरेक्टर अगर शरीर छोड़ देता है तो पहले वाले डायरेक्टर के साथ रहने वाला उसका बच्चा डायरेक्टर नहीं बन सकता है। बनता है, ऐसे यहां भी है। जन्म मरण के चक्र से सदा परे रहने वाली आत्मा डायरेक्टर के रूप में जब तक काम करती है तब तक ऊंचा ऊंचा पद बनता है। सत्युग त्रेता की शूटिंग होती है और जब वो चला जाता है उसके बाद क्या राजा ही नहीं मिलती है? है? राजा ही मिलती है परंतु द्वापर कलयुग की राजा ही मिलती है। हिंसक राजा ही मिलती है या अहिंसक राजा ही मिलती है? हिंसक राजा ही मिलती है। अंतर विशेष हो जाता है, ये अंतर विशेष हो जाता है। क्या? शूटिंग पीरियड चेंज होता है तो उस हिसाब से ये अंतर विशेष हो जाता है। शूटिंग पीरियड कैसे चेंज होता है? एक डायरेक्टर गया दूसरा डायरेक्टर आया। एक डायरेक्टर जब जाएगा तो वो स्वर्ग बनाने वाला जाएगा या नरक की राजाई देने वाला जाएगा? स्वर्ग की राजाई देने वाला चला गया। जो अहिंसक राजाई देने वाला बाप है, विष्णु की बादशाही देने वाला बाप है, वो चला गया। लेकिन हद की राजाई भी तो है, हिंसक राजाई भी तो है। उसकी शूटिंग कब शुरू होगी और उसके लिए निमित्त कौन बनेगा? कौन बनेगा? मुझे बोला है हर आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन के द्वारा अपने जन्मों को फिक्स करेगी। कैसे? कैसे?
संकल्प आते हैं अच्छे और संकल्प आते हैं बुरे। जो भी संकल्प आते हैं उन्हें हर आत्मा कंट्रोल कर पाती है क्या? नहीं कर पाती। जिसमें जितना ज्ञान का पराकाष्ठा ज्यादा होगी वो उतना ही संकल्पों को कंट्रोल कर सकेगा। तो संकल्पों को जो कंट्रोल करता है तो अच्छी सूची होती है। शेष संकल्पों को संवर्धन करता है तो अच्छी सूची होती है। सारा ज्ञान के ऊपर है। अंते ज्ञानान्न मुक्ति। इन दुष्ट संकल्पों से ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। अपनी आत्मा एहसास करती है कि हम ज्यादा संगम युग में सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं। हमारी आत्मा में उसी का संस्कार बढ़ रहा है या घट रहा है। संगम युग मौजों का युग मना रहे हैं या मौजों की बात से, मौजों के युग से हम दूर जा रहे हैं। ये अपनी फीलिंग आती है। हर आत्मा को अपने से ज्यादा फीलिंग और दूसरे थोड़ी आ जाएगी। अपने अपने अंदर की गहराई को हरेक खुद पहचान सकता है या जवाब जान सकता है। लिखा है जगदम्बा माँ का बीच का रहस्य क्या है? ये बीच है क्या है? कन्याओं को माताएं बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। मुरली में ऐसा बोला तो फिर सड़क के गेट कौन सी माताएं खोलेंगी? सारी चिंता हो गई। अरे कन्याओं को माता बनाता हूं तो माताएं सर का गेट नहीं खोल सकती क्या? बनाने वाला कौन है? उस दुनिया में कन्या को माता कौन बनाते हैं? जो कन्याओं को माता बनाते हैं वो डुप्लीकेट पति परमेश्वर है। ये असली है, डुप्लीकेट है। और यहां तो कन्याओं को माता बनाने वाला डुप्लीकेट नहीं है, वो तो असली है और पतियों का भी पति है। तो कोई अच्छे काम के लिए ही बनाया होगा या नीचे ले जाने के लिए बनाया होगा? है अच्छे काम के लिए बनाए। और माताओं को कन्या बना देता हूं। माताएं अर्थात अदर कुमारी और कन्या अर्थात कन्याकुमारी। तो जो कन्याकुमारी है वो अदर कुमारी बन गई और अदर कुमारी कन्याकुमारी बन गई। तो माता बनकर के बुद्धि किधर जाती है?
और कन्या बनने के बाद बुद्धि किधर जाएगी? जब तक माता है तो बुद्धि कहाँ जाती है? अरे दुनिया भी माताएं हैं तो उनकी बुद्धि कहाँ खींचती है? बाल बच्चों में खींचती है, परिवार में खींचती है, और जब कन्या बन गई यज्ञ में समर्पित हो गई, बाप की बच्ची बन गई, पवित्र बन गई, तो बुद्धि बाहर की दुनिया में जाएगी या यज्ञ को संभालेगी? यज्ञ को संभालेगी। तो पुरुषार्थ अच्छा होगा या पहले के मुकाबले नीचा जाएगा? और अच्छा होगा। तो चाहे माताओं को कन्या बनाए तो भी कल्याणकारी, कन्याओं को माता बनाए तो भी कल्याणकारी, क्योंकि कन्याएं जो माता बनी वो तो घर का गेट खोलने के लिए निमित्त बन गई, और जो माताएं जो पहले ही माताएं थी बाद में पवित्र कन्या बन गई तो वे भी स्वर्ग का गेट खोलने के तो निमित्त है ही। तो दोनों ही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। यहाँ रविवार का संगठन का क्लास 9:30 बजे का है, तो माताओं को और दूर से आने वालों को परेशानी होती है, या तो आ ही नहीं पाते हैं। तो क्लास का कोई पुराना समय रहे या गर्मी की वजह से चेंज किया जाए, क्योंकि अब तो गर्मी भी नहीं है, तो आप अपने संगठन में बैठ के तय कर लो। प्रजातंत्र राज्य है, राम राज्य तो आ नहीं गया, तो जिसके वोट ज्यादा पड़े हैं कोई कोई बात मान लिया। 9:30 वाले की ज्यादा वोट है, 9:30 वाली क्लास की ज्यादा वोट है। चलो अभी पता लग जाता है। ऐसे नहीं मानेंगे, कन्याओं माताओं के अलग डालेंगे और भाइयों के अलग डालेंगे। हम माताएं बताएं कि 9:30 कौन कौन रखना चाहते हैं? वाह, अच्छा चलो। और दोपहर को कौन कौन रखना चाहते हैं? स्वागत है। हाँ कन्या ना इधर है ना उधर है। ये माताओं ने तो ज्यादा उठा दिए हैं। भाई लोग ने देखा कि भाई लोग जल्दी आना चाहते हैं क्योंकि धंधे दौरी वाले हैं, और संडे को तो धंधे दौरी होता नहीं है। यहाँ कौन से दिन बाजार बंद रहता है? सोमवार। संडे को बंद रहता है? संडे को सरकारी ऑफिस की छुट्टी होती है, संडे को तो कोई है, चाहे दोपहर को आओ, चाहे सुबह को आओ, चाहे शाम को आओ, कोई अंतर नहीं पड़ता है। 20 किलोमीटर उनको जल्दी आने से अच्छा होगा या देर से जल्दी आने से? क्यों? जाते जाते रात हो जाती है, 8 बज जाती है, जाते जाते रात हो जाती है। ये क्या बात, सुबह को आए हुए और शाम तक यही रहते रहते हैं? 12 बजे वाली क्लास में 3 घंटे ही क्लास होता है, जाने में फिर 4 घंटे क्या क्या होता है? 3 घंटे 4 घंटे क्या क्या करते हो? 2.5 घंटा क्लास होती है, 2.5 घंटा क्लास होती है, 1.5 घंटा खाना वाना होता है, 2.5 घंटे क्लास और 1.5 घंटे खाना वाना, 4 बजे छुट्टी, 1 बजे बहुत से लोग तो 12 बजे से पहले ही आके खाना खा लेते हैं। तो जिनको जल्दी है शाम को जाने की वो पहले ही आ जाए, खाना वाना पहले खा ले। बात में आने वाले दूसरे, क्या बात
क्योंकि जितने भी मिनी मधुबन है उनमें संगठन का क्लास दो पैर कोई होता है, है? आगे पीछे कर